हेलो गाइस, मैं प्रीतिश मेडिनी। तो गाइस, आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और आज हम बात करेंगे टॉम क्रूज से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। वो जो करने वाले हैं वो शायद 99% लोगों को पता ही नहीं होगा, बट उससे पहले वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हर बार की तरह वीडियो में काफी सारे अपडेट है। तो सबसे पहला जो अपडेट है वो है एक्समैन न्यू म्यूटेंट की तरफ से। एक्समैन न्यू म्यूटेंट के भी हाल ही में कुछ स्टिल इमेज सामने आई जिसमें कि हमें विलेन के बारे में पता चला, और देन इस मूवी की जो रीशूट हो रहे थे वो किस कारण के चक्कर में हो रहे थे ये इन इमेजेस को देख के पता चल चुका है। और उसी के साथ Amazon पर USA में इस मूवी को सेल पर लगा दिया गया है $25 में, वो इसे खरीद सकते हैं। बट इंडिया से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है, तो जैसे कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। पर ये प्री ऑर्डर है, यानी कि आप इसे खरीद सकते हो पर देख नहीं सकते, जब मूवी रिलीज होगी तभी देख पाओगे। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 से रिलेटेड अपडेट ये आया है कि डेविड हार्बर, जो कि जिम हॉपर का कैरेक्टर प्ले करते हैं, उन्होंने बताया कि इस कैरेक्टर के बारे में जानने का मौका मिलेगा, बैक स्टोरी पता चलेगी, और साथ ही साथ उन्होंने कैसे एस्केप करा। 11 जो कि मिली बॉबी ब्राउन कैरेक्टर प्ले करती हैं, उन्हें बेस्ट फीमेल टीवी एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है किड चॉइस की तरफ से 2020, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं मार्वल स्टूडियो के अपडेट के बारे में। तो फाइनली आयरन हार्ट के ऊपर ऑफिशियली मार्वल स्टूडियो वर्क कर रहा है, पर टीवी सीरीज होगी या मूवी होगी ये कन्फर्म नहीं हुआ है। उसी के साथ सीक्रेट वॉर के ऊपर भी काम कर रहा है मार्वल स्टूडियो। अब यहाँ पर हमें यंग एवेंजर्स देखने को मिलेंगे, और ये हर एक मार्वल फैन का सपना है कि हमें यंग एवेंजर्स भी देखने को मिले, जो कि फ्यूचर होगा मार्वल का। उसी के साथ गोस्ट राइडर के ऊपर भी मार्वल स्टूडियो ऑफिशियली वर्क कर रहा है। और गोस्ट राइडर का अगर आपने 2008 वाली मूवी देखी है तो आप सभी जानते होंगे गोस्ट राइडर कैरेक्टर कैसा है, और मैं तो चाहूँगा कि इसको पूरी टीवी सीरीज ना बने, मूवी बने। और देन शी हल्क की स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है, और फाइनली जब स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाती है तो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है और हमें और भी अपडेट पता चलेंगे, तो देखते हैं कि इन फ्यूचर क्या होता है। उसी के साथ सोनी कंपनी ने स्पाइडर वर्स में एंडिंग में ये फैसला करा था कि वो एक कैमियो रखें टॉम का, टॉबी का और एंड्रू का, जिसमें कि वो यूनिवर्स को कनेक्ट करें, पर ये एंड में कैंसिल कर दिया गया। पर अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छी बात होती। 2099 स्पाइडरमैन के ऊपर मार्वल स्टूडियो और डिज्नी प्लस काम कर रहा है, ऐसा एक रूमर आया है। देखते कि इन फ्यूचर इस कैरेक्टर के ऊपर काम करेगा या नहीं, और जो भी अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। डेडेविल के कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर ने कंफर्म करा है कि जब से नेटफ्लिक्स और मार्वल की डील कैंसिल हुई है तो ऐसा कोई चांस नहीं है कि आपको सीजन 4 देखने को मिलेगा डेडेविल का। उसी के साथ ब्राइट, जो कि नेटफ्लिक्स की साइंस फिक्शन मूवी है, उसका सेकंड पार्ट कंफर्म हो चुका है, और अब नेटफ्लिक्स के ऊपर ऑफिशियली काम भी कर रहा है, तो ये गुड न्यूज़ है। उसी के साथ पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, बैड न्यूज़ है आप सभी के लिए कि वो रिबूट हो रही है पूरा यूनिवर्स, क्योंकि 6 पार्ट आ चुके थे और देन उसमें फीमेल लीड होगी इस बार, तो देखते कि कौन होगा। पर कैरिन का सबसे ज्यादा नाम आ रहा है, जो कि नेबुला का कैरेक्टर प्ले करती हैं। अवतार 2 की ऑफिशियली बिहाइंड द सीन इमेजेस आई है, जिसमें कि हमारे जेम्स शूट करते नजर आ रहे हैं, डायरेक्ट करते नजर आ रहे हैं अंडर वाटर में, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है, और देखते हैं कि ये मूवी फ्यूचर में कैसी होगी। रियान, जो कि डेडपूल का कैरेक्टर प्ले करते हैं, वो काम कर सकते हैं डेयर जॉनसन के साथ, जो कि नेटफ्लिक्स की अपकमिंग मूवी है रेड नोट। तो देखते हैं ये न्यूज़ कितनी कंफर्म होती है आने वाले टाइम में। अब बात करते हैं टॉम क्रूज से रिलेटिव। तो टॉम क्रूज ने अभी हाल ही में नासा के संग एक मूवी बना रही है साइंस फिक्शन, जो कि वो अंतरिक्ष में जाके शूट करेंगे। जी हाँ गाइस, बहुत बड़ा ये चैलेंज है टॉम क्रूज के लिए। उसी के साथ चाइल्ड्स प्ले के जो को राइटर हैं, उन्होंने अभी हाल ही में आत्महत्या करी है, पर अगर आप उनकी मूवी देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। विन डीजल ने कंफर्म कर दिया है रेडिक 4 की स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है, और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। अगर आपको पहले के पार्ट देखने हैं तो आप जाके डाउनलोड करो और देख सकते हो, मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसी के साथ डेयर जॉनसन और एमिली एक मूवी पे काम कर रहे हैं नेटफ्लिक्स की, जो कि एक सुपर हीरो टाइप मूवी होगी, जिसका नाम है बिल एंड चैन, तो काफ़ी कमाल की मूवी होगी, देखते हैं। और देन इसकी कॉमिक बुक भी है। उसके साथ सिल्वेस्टर ने कंफर्म कर दिया कि क्रीड 3 में रॉकी नाम का जो कैरेक्टर था वो रिटर्न नहीं होगा, उन्होंने अभी हाल ही में कंफर्म करा है, तो देखते क्या होता है। उसी के साथ एवा, जो कि डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स की एक नई मूवी पर काम कर रहे हैं न्यू गॉड्स पर, उसमें ऑल वीडियो नाम के कैरेक्टर को भी दिखाया जाएगा, तो ये कॉमिक बुक कैरेक्टर है, और देन ये कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है डीसी में, फिर देखते हैं। और उसी के साथ स्क्रैम 5 कन्फर्म हो चुकी है कि इस पर ऑफिशियली काम चल रहा है, तो ये मूवी हॉरर टाइप की है और थोड़ी स्कैरी टाइप की मूवी है। उसी के साथ रामायण, जो कि एक भारतीय टेलीविजन सीरीज है, इसने एक दिन में टीवी सीरीज में सबसे ज़्यादा व्यू कमाई है, यानी गेम ऑफ थ्रोन्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 7.7 करोड़ लोगों ने देखा एक समय पर। उसी के साथ WWE स्टार बैकी फाइनली मार्वल स्टूडियो में किसी कैरेक्टर को प्ले कर सकती है, ऐसे कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, पर कौन सा कैरेक्टर पर ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। उसी के साथ टॉम हार्डी ने अभी हाल ही में एक और इमेज डाली, जिसमें कि वेनम ईट कर रहा है स्पाइडरमैन को, फिर उन्होंने एक मिनट बाद इसे डिलीट मार दिया। अब ऐसा क्यों है, क्या होने वाला है इन फ्यूचर, कोई भी कोच नहीं बता रहा है पूरा क्लियर।
उसी के साथ डॉक्टर स्लीप आपको अमेजोन प्राइम पे देखने को मिल जाएगी। तो गाइस अभी हिंदी तमिल तेलुगु कंफर्म नहीं हुआ है, पर जैसे ही कंफर्म होगा मैं आपको बता दूंगा। पर मूवी बहुत कमाल की है और इसका पहला पार्ट देखना जरूरी है। उसी के साथ आयरन मैन का एक कौन सा पार्ट आया है जिसमें कि हमें पता चलता है कि पहले ये वाला आर्मर यूज करा जाना था मार्क वन, पर मूवी में हमें और तरीके से दिखाया गया। उसी के साथ फैन आर्ट जिसमें कि जब ब्रूस बैनर हल्क स्नैप करते हैं तो वो एक दूसरे की छवि को देखते हैं सोल वर्ल्ड में, पर ये एक फैन है, कोई ऑफिशियल ही नहीं है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय। हेलो।